आप जब भी देखते होंगे तो एक शब्द आपको अधिकतर बार दिखाई सुनाई देता होगा, सोशल मीडिया। याद रखिए, इसके कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी है इसके। फायदे में आप सबसे बड़ा यही ले सकते हैं कि आपने देखा है कि अभी छात्रों ने जो आंदोलन किया हुआ था, एक तरह से आपने हैशटैग चलाया हुआ था, उसके बाद आप MP में देख लीजिए, चाहे आप पूरे भारत में देख लीजिए, उसके बाद आपने देखा है कि रेलवे ने भी डेट अनाउंस कर दी है। तो एक तरह से विरोध करने का अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया। पूरे देश में विरोध भी प्रकट हो जाता है और कोई एक तरह से तोड़फोड़ भी नहीं होती है, ठीक है। आप अपनी असहमति भी जता दी जाती है और कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं देखा जाता है। लेकिन आप अगर आगे बात करूं कि इसके नुकसान के बारे में, तो आप देखते हैं कि जो सोशल मीडिया पर एक तरह से भ्रामक प्रचार किया जाता है या गलत कोई भी सूचना दी जाती है, एक समाज को दूसरे समाज से या जाति को धर्म को इस तरह से बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि एक दूसरे से नफरत करने की भावना भी पैदा होती है। चलिए, तो इसके सोशल मीडिया के कई तरह के हम लोग कई पक्षों पर बात करेंगे, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को की अभूतपूर्व वृद्धि लोकतंत्र के कामकाज में एक दो आधारी तलवार साबित हो रही है। एक ओर इसमें सूचनाओं तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण क्या है, तो वहीं दूसरी ओर इसने इसने नई चुनौतियों भी पेश की हैं जो अब सीधे हमारे लोकतंत्र और लोगों पर प्रभाव डाल रही हैं। तो अब वैसे भी आप जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, समझ रहे हैं। उसी तरह इनके भी एक तरह से आप हर क्षेत्र में देखिए, किसी कोई भी काम हो तो उसके दो आपको नतीजे देखने को मिलेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते हैं कि मेंस में अधिकतर बार पूछवे लिए जाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि कहीं आप निबंध भी लिख रहे हैं तो वहां भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, इंटरव्यू में भी देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया के विस्तार की बात करें तो भारतवर्ष 2019 तक 574 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। कितने? 574 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। इंटरनेट प्रयोग करने के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर। वैसे भी आप देखेंगे तो जनसंख्या के मामले में भी चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। एक अनुमान के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत में लगभग आप देखेंगे 639 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे। भारत के अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता मोबाइल फोन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। वर्ष 2019 में भारत में कुल डेटा 4G डेटा उपभोग के साथ ट्रैफिक में आप देखेंगे कि 47% की वृद्धि हुई है। देश भर में खपत होने वाली कुल डेटा ट्रैफिक में 4G की भागीदारी 96% है, जबकि 3G डेटा ट्रैफिक में अब 30% की उच्चतम गिरावट भी दर्ज की गई है। एक बात और आपको बताऊं यहाँ कि अभी आप देखेंगे फेसबुक फेसबुक पर मुझे लगता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आजकल फेसबुक चला रहा है। ऐसे लोगों को आप देखते हैं कि, और इसीलिए आप देखते हैं कि कोई ही झूठी खबर होती है तो वो बहुत जल्दी फैलती है, एक तरह से आग की तरह, समझ रहे हैं आप लोग। और कोई भी आपने देखा है कि कभी गांधी जी को उल्टा सीधा पेश कर दिया जाता है, कभी नेहरू, कभी आप देखते हैं किसी बाल गंगाधर तिलक, या फिर इस तरह के लोगों को उनकी नकारात्मक छवि को उबेर कर बता दिया जाता है। और पता नहीं कहाँ से मतलब कहानी गढ़ते हैं, सच्चाई से उसका कोई लेना देना ही नहीं होता है। लेकिन हम में से अधिकतर क्या कहते हैं कि अच्छा गूगल ने दिया है, फेसबुक ने दिया है, अच्छा दिया होगा, सही बात होगी, ऐसे में आप लोग जान जाते हैं। और आप भी समझते हैं कि हमारे यहाँ के अधिकतर लोगों के दिमाग को दूसरा ही कंट्रोल किए रहता है, क्योंकि आपने देखा है कि क्या देखा है कि नेता आज भी राज कर रहे हैं। कब से? 1947 के बाद से। आप देखते हैं कि हमारी जनता से दो चार वादे कर दीजिए आप लोग, आपको वोट दे देंगे, हमदर्दी दिखा दीजिए, आपको वोट दे देंगे। तो आप जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे कभी चुनाव के मुद्दे हो ही नहीं पाए हैं, या तो दूसरी जाति के लड़ाके या दूसरी जाति को एक तरह से उसे प्रचार करके चुनाव जीत लिए जाते हैं और जनता को भटका दिया जाता है रास्ते से। कहा जाता है कि हमारे देश की जनता बड़ी मासूम है, समझ रहे हैं। सोशल मीडिया के अगर लाभ की बात करें हम लोग, तो सूचना का लोकतंत्रीकरण। सोशल मीडिया ज्ञान और व्यापक स्तर पर संचार सुविधाओं का लोकतंत्रीकरण करता है। विश्व भर के अरबों लोगों ने अब सूचना को संरक्षित रखने और इसका प्रचार करने की पारंपरिक माध्यमों को चलन से लगभग बाहर कर दिया है। वे सिर्फ इसके उपभोक्ता ही नहीं, सामग्री के निर्माता और प्रसारकर्ता भी बन गए हैं। एक बात आप लोगों को बताऊं यहाँ कि 2014 का चुनाव जीतना
नरेंद्र मोदी साहब के लिए, और 2000 आप सोचिए 2014 और 2019 का, इसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि गांव में वो बैठा व्यक्ति भी देख रहा था कि हमारा प्रधानमंत्री साहब जिन्होंने देश के लिए अपनी शादी नहीं की, देश के लिए सब कुछ नछावर कर दिया। और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जब साहब जब भाषण देते हैं, जब बोलते हैं, तो उनके शब्द इतने अंदर तक झकझोर देते हैं, समझ में आया, वो इतना मतलब सबको प्रभावित कर देते हैं, इस तरह के शब्द यूज करते हैं वो। तो कोई भी गरीब देख रहा हो, कोई भी तबके का व्यक्ति देख रहा हो, तो वो कहता था हाँ हमारे भारत को आगे ले जाएगा प्रधानमंत्री मोदी साहब ले जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें एक तरह से योगदान सोशल मीडिया का कुछ ज्यादा ही रहा है, और नेट से आप देख रहे हैं कि गांव में एक कोने में बैठा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री के बारे में जान रहा है, समझ रहे हैं। नए अवसर की बात करें तो आभासी दुनिया का उदय ऐसे लोगों को अपनी आवाज को मुखर करने का अवसर प्रदान करता है जिन्हें या तो अभी तक सुना नहीं जाता था, अर्थात समाज का अपेक्षित आभासी दुनिया के माध्यम से ये लोग दूसरे लोगों से जुड़ते हैं और स्वयं को स्थापित कर पाते हैं। अगर व्यवसाय के रूप में देखें तो कई यूट्यूबर्स का उदय इस घटना का प्रमाण भी है। आप भी जानते हैं कि आज आपके किसी भी कोचिंग से आपको जुड़ना है या अभी आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे ये किसका कमाल है, सोशल मीडिया का एक तरह से आप कहिए, नेट का एक तरह से आप कहिए, अगर ये ना होता तो आज ना हम बात कर रहे होते ना आप बात कर रहे होते, समझ रहे हैं, इसका एक फायदा है। और आज तो मुझे लगता है कि आपको इतना स्टडी मटेरियल मिल जाएगा यूट्यूब पर या गूगल पर, आप समझ रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। आप अगर सही डायरेक्शन पकड़ लें तो आप काफी मटेरियल आपके पास उपलब्ध है, बस आपको मोबाइल और इंटरनेट का सही यूज करना आना चाहिए, ठीक है। व्यापक और विषम समुदाय, भौतिक समुदाय की तुलना में ऑनलाइन समुदाय भौगोलिक रूप से बहुत व्यापक और अधिक विषम है। अतीत में भारत में कई समुदायों को सार्वजनिक प्रवचनों में भाग लेने, खुद को संगठित करने और अपनी सोच और विचारों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं थी। उनकी चिंताओं और विचारों, अनुभवों, महत्वाकांक्षाओं और मांगों की को काफी हद तक अनसुना भी कर जाता था। अभी आप स्टूडेंट इसी को ले लीजिए आंदोलन को, क्योंकि आप सोचिए कि किसी मीडिया वाले ने साथ नहीं दिया, मीडिया ने किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया उनका, उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किए तो उसका प्रभाव देखा गया है, समझ रहे हैं आप लोग। तो कम से कम हम अपना असहमति हमें किसी बात पर तो हम जता तो सकते हैं कम से कम। अगर आप सोचिए इस तरह का सोशल मीडिया ना होता तो हम घर में चुप बैठे जाते, नौकरी मिलती या नहीं मिलती आप लोगों को, समझ रहे हैं। सस्ता और आसान, सोशल मीडिया के लिए आवश्यक कंटेंट के निर्माण में ईंट और चूने पत्थर या किसी अन्य भौतिक पदार्थ की तुलना में कम निवेश की आवश्यकता होती है। यह अक्सर मृदु कौशल से संचालित होता है और प्रौद्योगिकी की सहायता से कोई भी व्यक्ति सक्षम, प्रमाणिक, प्रभावी और मौलिक ऑनलाइन कंटेंट भी तैयार कर सकता है। सोशल मीडिया की बात करें तो कंटेंट हो गया, फ्रेंडशिप, इंटरनेट, ऑनलाइन कैरियर, अलायंस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सोशल मीडिया, वर्चुअल कम्युनिटी, रिलेशनशिप, कनेक्शंस, सोशल स्किल्स। आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया कई दिलों को मिलाता भी है, समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं मिलाने का मतलब। आगे फायदा है इसका, अधिपत्य का मुकाबला, सोशल मीडिया भी पारंपरिक खिलाड़ियों के अधिपत्य या फिर रिवायत का मुकाबला करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। इसने विश्व में ज्ञान का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया है जिससे मुख्य धारा का मीडिया फर्जी खबरों और प्रचार प्रसार के लिए गंभीर सार्वजनिक आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। एक समय आपने सुना होगा कि किताबें नहीं थी, गुरु जो भी बोल देते थे उसी बात पर हम लोग भरोसा कर लेते थे। आज के समय में आप सोचिए किताबें ना होती, इंटरनेट इस तरह की सुविधा ना होती, तो गुरु जी कह देते कि हमारे धर्म में एक कहा गया कि दूसरे आदमी को काट डालिए, दूसरे आदमी को परेशान करिए, दूसरे आदमी को दुख पहुंचाइए, तो हम सभी मान लेते उस बात को। लेकिन आज हमारे पास सभी सुविधाएं हो गई, तो मीडिया कुछ भी कहे हम लोग जान जाते हैं कि ये हकीकत है या गलत है, मीडिया गलत बता रही है, समझ रहे। दूरी समाप्त हो रही है, सोशल मीडिया ने लोगों के बीच की दूरी को भी समाप्त करने का काम किया है। दोस्तों और परिवार अब दूर होने के बावजूद भी व्हाट्सएप और अन्य ऐप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। कभी कन्याकुमारी को देखते हैं आप लोग कि कभी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पहुंच जाता है, समझ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश गुजरात आ जाता है। कहने का मतलब है कि लोगों की इतनी पहुंच हो जाती है एक दूसरे से मिलने की, सोशल मीडिया का कमाल। सरकार के साथ सीधा संवाद, आज सोशल मीडिया ने आम लोगों को सरकार से सीधे बातचीत करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार भी दिया है।
आप लोग अपने सवाल या परेशानियों को रेलवे अन्य मंत्रालयों को पोस्ट कर देते हैं और जो इन दिनों आम खबर भी है। चुनौतियों की अब सबसे बड़ी बात कहा था ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये प्रॉफिट तो आप लोगों ने देख लिया है लाभ, लेकिन चुनौतियां क्या हैं? द्वेषपूर्ण भाषण और अफवाहें। पिछले कुछ समय में कई मामलों में हिंसा और जानमाल की क्षति के लिए नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाहें जिम्मेदार रही हैं। और याद रखिए कई लोगों की जान भी ले चुकी हैं इस तरह की अफवाहें। हाल ही में एक मामला है जब महाराष्ट्र के पालघर के गढ़ चिंचल गांव में दो साधुओं उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा यह बात फैलाई गई कि क्षेत्र में तीन चोर चोरी कर रहे। इस अफवाह के चलते गांव के एक समूह ने तीनों यात्रियों को चोर समझकर उनकी हत्या कर दी। हस्तक्षेप करने वाले कई पुलिस कर्मियों को भी गांव वालों ने हमला कर दिया और जिससे वे घायल भी हो गए। 2020 के दिल्ली दंगों में सोशल मीडिया पर हुई द्वेषपूर्ण भाषण की बड़ी भूमिका थी। आपने अभी देखा होगा लॉकडाउन के टाइम कहा गया कि ये एक तरह से कोरोना महामारी ऐसे जिहाद का नाम दे दिया गया मुस्लिमों को बदनाम करने का, समझ रहे हैं? तो ये भी एक तरह से आप सोचिए एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति एक तरह से नजरिया बदलना या उससे उनसे नफरत करना, इस तरह की भी भावनाएं इस पर जन्म ले लेती हैं। फेक न्यूज। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 22 देशों के में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 64% से अधिक भारतीय फर्जी खबरों का सामना करते हैं। कितना? आधी से अधिक लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से प्रसारित एडिटेड इमेजेज हेराफेरी वाली वीडियो और झूठे संदेशों की एक चौंका देने वाली संख्या मौजूद है जिससे गलत सूचनाओं और विश्वसनीय तथ्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। एडिटिंग तो ऐसी तरह की होती है, आप समझिए कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि एडिट की हुई पिक्चर है, समझ रहे हैं? वही पिक्चर्स कई बार कई लोगों की जान भी ले लेती है ये एडिटिंग, समझ रहे हैं? इसलिए ऑनलाइन ट्रोलिंग सोशल मीडिया का नया उप उत्पाद है। कई बार लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और लोगों को ट्रोल करना और धमकाना शुरू कर देते हैं जो उनके विचारों या आख्यानों से सहमत नहीं होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की विशिष्टता पर हमला करने वाले गुमनाम ट्रोल को भी बढ़ावा दिया गया है। इसकी से महिला सुरक्षा। महिलाओं को साइबर रेप और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है जो उनकी गरिमा की गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। कभी कभी उनकी तस्वीरें और वीडियो को साइबर पर लीक कर देने की धमकी भी दी जाती है। कभी कभी उनकी तस्वीरें और वीडियो लीक भी हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें साइबर अपराध के लिए मजबूर किया जाता है। कई लोगों की इस तरह से जान भी जा चुकी है, आप लोग देखते रहते हैं, तो आप भी बड़े चौकंदा रहा करिएगा इस तरह की, ठीक है? आगे की राय की बात करें हम लोग तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI। कई सोशल मीडिया केंद्रों ने कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने या फिल्टर करने के लिए स्वचालित और मानव संचालित एडिटेड प्रक्रियाओं का मिश्रण तैयार किया है। कहने का मतलब आप देखेंगे कि अभी अगर जो भी आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे कमेंट अगर उल्टा सीधा कोई करता है, गाली गलौज करता है, तो वो आपका अलाउ नहीं होगा। आप भली कमेंट कर दीजिए लेकिन दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप इस तरह से आप चिन्हित कर सकते हैं कि इस तरह की कोई गाली देता है तो आप देखेंगे कि वो यूट्यूब पर शो नहीं करेगा। तो इस तरह का भी आप लोग कर सकते हैं। ये AI इकाइयां स्वचालित रूप से किसी छवि या समाचार को साझा करने पर हर बार गलत रिपोर्टिंग के खतरे को भांप लेंगी। इस अभ्यास को और अधिक दृढ़ता के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अगर आप देखें कि सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक व्हाट्सएप पर कोई भी एक तरह से नफरत भरा मैसेज भेजता है तो फेसबुक इस तरह का एक तरह से आप सोचिए अलाउ कर सकता है कि इस तरह का कोई भी मटेरियल डालेगा उसका वो या तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा या उस कंटेंट को तुरंत हटा दिया जाएगा जनता तक पहुंचने से पहले ही, ठीक है? ऐसी सुविधा हो सकती है। फर्जी सूचना के प्रति अवगत होना। यदि एक ऐसा तरीका है जहां फर्जी जानकारी के साथ कंटेंट की वास्तविकता सूचना भी पोस्ट की जाती है ताकि उपयोगकर्ता को वास्तविक जानकारी और सच्चाई से अवगत कराया जा सके। यूट्यूब द्वारा लागू किया गया यह तरीका उपयोगकर्ताओं को नकली या घृणित सामग्री में किए गए भ्रामक दावों को खत्म कर देगा और सत्यापित और सुव्यवस्थित जानकारी वाले लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। फिर आपका विनियमन लाना। सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दायरे का सामना करने के लिए एक संपूर्ण राष्ट्रीय कानून होना चाहिए। इस संबंध में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कानून प्रावधान होने चाहिए। अभी आप देखेंगे, आप भी अभी इस समय देखेंगे कि सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले आपको मैसेज सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? एक जात से दूसरी जाति का, एक धर्म से दूसरे धर्म का, समझ रहे? जन जागरूकता।
वर्तमान में देश को डिजिटल साक्षर बनाए जाने की जरूरत है। एक जिम्मेदार सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए, इस विषय में देश के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका परीक्षण किया जाना चाहिए, जहां लोग इन्हें बेवकूफ बनाकर अपना काम आसानी से निकाल भी लेते हैं। कानूनी उपाय की बात करेंगे तो भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव के समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों और गलत सूचना के प्रसार पर अंकुश लगाने के कई उपाय की घोषणा भी की थी। इसने राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया कंटेंट को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया गया और उम्मीदवारों को अपनी सोशल मीडिया खातों तथा उनकी संबंधित सोशल मीडिया अभियानों पर सभी खर्चों का खुलासा करने के लिए भी कहा गया था। इस प्रकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया विंग विभिन्न सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्मों की गतिविधियों पर नजर रखने में सरकार के विभिन्न संगठनों की सहायता भी करती रही है। इस तरह की गतिविधियों को सभी प्रमाणों और संस्थानों में प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। और लास्ट में आप कह सकते हैं कि जैसा कि भारत एक निगरानी राज्य नहीं है, इसलिए निजता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कोई गैरकानूनी या असंवैधानिक जांच नहीं होनी चाहिए, जो कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इससे इसमें एक संतुलन होना चाहिए, ताकि क्योंकि संविधान ने भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार पर कई सीमाएं लगाई हैं, और आप जानते हैं कि आपको अधिकार मिले हुए हैं, बोलने का अधिकार मिला हुआ है, आपको बैठक करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, लेकिन उन पर पाबंद भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको बोलने का अधिकार है तो आप किसी को गाली देने लग जाए। याद रखिए, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा जब तक आपको बोलने का अधिकार या आपके अधिकार आपको दिए जाएंगे। जैसे ही आपके अधिकार किसी के अधिकारों का हनन करता है, आपके अधिकारों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ठीक है, याद रखिए, आपसे कहा जाए आप संगठन बनाने की आजादी है आपको, आप कोई ऐसा संगठन बना लीजिए जो भारत की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए, तब भी आपकी अधिकारों पर निगरानी यानी कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक, बड़ी प्रौद्योगिकी फर्में जिनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कंटेंट के संदर्भ में मध्यस्थता कर सकती हैं और इस प्रकार लोकतंत्र को प्रभावित भी कर सकती हैं। उन्हें और सभी को अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराना जाना चाहिए, जिसके व्यापक सामाजिक प्रभाव होते हैं। तो ये था सोशल मीडिया का कमाल, आप सभी लोगों ने देख लिया। इसके आप देखते हैं कि पॉइंट आप लोग एक तरह से नोट बना लीजिए एक शॉर्ट, और आप जब भी आंसर इस तरह के आते हैं लिखने के लिए तो आप उन्हें डाल सकते हैं। ठीक है।